कोई हमारे साथ और भी कई गांव के जो इंसान मौजूद आदमी हैं उनसे जानते हैं कि रतन जी के अंदर ऐसा क्या नज़र आया है इन्हें जो कि इतनी पब्लिक इनको चाहती है। तो सर जी सबसे पहले तो हमारा आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। सर जी अपना शुभ नाम बताइए। बताओ जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। अच्छा सर जी, आप जो रतन जी चौहान साहब हैं जो पंचायत मिश्रगढ़ से गाँव सरवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं आप, क्या विचार है? सर जी बात ऐसी है रतन सिंह चौहान के बारे में, क्योंकि मैं हाँ जब से जन्मा हूँ मैं इन्हीं की स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा परिवार गरीब था। अच्छा, इनकी स्कूल भी है क्या? हाँ, इनकी खुद कौन सी जगह पर सर जी? प्राइवेट बड़ौदा में स्कूल है इनकी। अच्छा। तो जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास फीस नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। तो ये उन बच्चों को फ्री में भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई फोर्स भी नहीं करते। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है गाँव वालों का कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा और वो भी फ्री में मिल जाए। हाँ, तो गरीब इंसानों के सहयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है। अच्छा। तो मैं तो इसीलिए है उनके गुरुजियों के साथ, तो इसीलिए ये पूरा गांव उनके साथ है क्योंकि उन लोगों ने 10 साल की नहीं, मैं तो जन्मा तब से उन्हीं को बड़ौदा में देख रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो हम लोग उनके पास जा सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सबसे इनकी अच्छी बात ये है कि निस्वभाव है, कोई भी मतलब कोई संकोच नहीं करता, बच्चा भी इनके पास चला जाता है। ठीक है, बड़ा बुजुर्ग है वो भी इनसे मिलता रहते हैं। तो सबसे इनकी भावना है वो है ना, वो बच्चे जैसी है सबसे। हाँ, जैसे मतलब तो उसी हिसाब से बात करते सर। हाँ। अच्छा, तो सर जी आप जैसे भी गांव के अंदर दौरा लगाते हैं, आप भी इनके साथ गए होंगे, तो पब्लिक कैसे क्या कहते हैं, क्या सुने आपने? फिलहाल बड़ौदा गांव की जो जनता है और या पब्लिक है, चाहे मेरा परिवार हो या गाँव में कुछ भी हो, 80% लोग तो सीधा ही इनकी तरफ है। 20% है वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम भी गुरुजियों के साथ हूँ, इनकी तरफ आ जाएंगे। हाँ, चे। कोई पार्टी का छोटा मोटा दबाव उसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन पूरा गांव एक तरफा बड़ौदा में इनके साथ है क्योंकि ये पहले असलवास और बेरला और बड़ौदा से चुनाव लड़ते थे। अब की बार ये पंचायत अलग हो गई, उरिक्का हो गया, बड़ौदा हो गया और उरिक्की वगैरह हैं। यार जी, अब की बार गाँव वालों ने और उरिक्का वालों ने इनको बुला के यहाँ से दोबारा इनको टिकट दिलाई। मतलब सब ये जनता की डिमांड है, मतलब हम लोगों की डिमांड थी कि रतन मास्टर जी आए और वो चुनाव लड़े। ठीक है, मतलब जनता की डिमांड है कि रतन जी मास्टर साहब दोबारा आए और गांव के अंदर या क्षेत्र में आसपास में अच्छा विकास करें। अच्छा विकास करें। थैंक यू सर। सर जी अपना शुभ नाम बताइए। प्रीतम सिंह। सर जी अपना गाँव कौन सा है? बड़ौदा। बड़ौदा गाँव से। सर जी, तो ये पंचायत समिति की जो ये वार्ड नंबर 12 से चुनाव होने जा रहे हैं, ये जो मास्टर जी हैं रतन जी आशीर्वाद से, इनके बारे में क्या विचार है आपके दिल में? सबसे पहले तो इनका व्यवहार जो है शानदार है। अच्छा जी। इनके सुशील, बिल्कुल शांत स्वभाव, एकदम शांति से रहने वाले। अच्छा। 10 साल से ये पिछले यहाँ इलेक्शन लड़के हमारे साथ रहे पंचायती समिति से। 10 साल से पहले भी ये लड़े हुए हैं? 10 साल से। अच्छा जी। ये 10 साल पहले रह चुके, ये 10 साल से हैं। अब ये तिवारी है और उसके बाद गांव वाले, इन्होंने मिलकर गांव वालों ने एक निर्णय लिया है कि इनको यहाँ चुनाव के मैदान में उतारा जाए दोबारा फिर से इनको। जी, तीसरी बार। वाह जी, क्या बात है जी। हाँ जी। तो सर जी इनके बारे में और कुछ बताएंगे, जैसे आप गांव के अंदर गए इनके साथ प्रचार के जरिए, तो जनता क्या इनको क्या वो करती है? जनता इनको पूरी तहे दिल से मानती है। अच्छा, गाँव कौन सा जी? बड़ौदा। सर जो ये मास्टर जी खड़े हुए हैं असलवास गांव से, वार्ड नंबर 12 से, इनके बारे में आपके दिल में क्या विचार है? इनके विचार यही है कि 80% से भी ज्यादा हम इनको वोट निकालेंगे यहाँ से। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है साहब। पूरा गांव है, ये नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, 36 कौम साथ इनके और 10 साल से हमारे साथ ही लगातार जुड़े हुए हैं और तीसरी बार भी हम इनको विजय बनाए। वाह जी। हमारा मीडिया के अंदर स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। तब जी आपका क्या नाम है? अर्जुन नाम। तो जो ये रतन मास्टर जी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अजी, ये बात यह है कि ये ईमानदार और सच्चे आदमी है। अच्छा जी। इन्होंने 15-20 साल यहाँ पर स्कूल लगा रखी है, प्राइवेट स्कूल, तो गरीब आदमी के बच्चों की अगर फीस नहीं पाती ने, ये फीस उनकी मांगते भी नहीं, उनके घर पे नहीं जाते कि दे देंगे तो चलो ठीक नहीं है, आपकी तरफ से शिक्षा करवाते हैं। ये जो आप ये बात बताने जा रहे हैं स्कूल के बारे में, ये आपने खुद देखा है या किसी को कही हुई मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने जी खुद सुना है। देखा साहब, ऐसी बात नहीं। और क्या मतलब इनके बारे में बताइए आप साहब? ये पहली बात है कि ईमानदार सच्चे आदमी है। अच्छा जी। 10 साल से इन्होंने यहाँ हमारे रहे हैं, सच्चे आदमी है। आधी रात को किसी बात में इनको फोन किया तो एंटोन खड़े पाएंगे। दूसरी बात, पंचायत समिति में एक सच्चे आदमी है, इन्होंने कभी भी वोट पटे नहीं प्रधान का, इन्होंने लोभ देने वालों में खुद देखा है। अच्छा। इन्हें पेशाब की धार समझी है। क्या बात है। हाँ, ये सच्चाई बात है साहब, मैंने खुद आंखों देखा है। इनको 9 लाख रुपया दे था मेरे सामने,
इन्होंने मैं पैसा नहीं लूँगा, एक भी रुपये नहीं लिया। नहीं ना, बिल्कुल सर सच्चाई बात है, बिल्कुल हाँ, इनको झूठ बात नहीं, सच्चे आदमी। तो जी आपका धन्यवाद। देखो दर्शकों, इनके बारे में आपको गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनसे मिला है आपको, तो ये आपके सामने है, ये क्या आप है, आपके हाथ में है, क्या है, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको जो ये इंटरव्यू दिखा रहे थे आपको मास्टर जी के बारे में, अभी गांव के हमारे साथ मौजूद हम जुड़े हुए हैं जो कि मौजूद सरपंच हैं सज्जन सिंह सोनी जी गांव बड़ौदा से। सर जी आपका स्वागत है। पहले तो सर धन्यवाद। सर जी जो ये रतन मास्टर जी हैं इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? रतन जी हमारे 10 साल से कैंडिडेट हैं। अच्छा। हमारे गांव के अंदर इनकी अच्छी छवि है, ईमानदार और नेक इंसान है। आज तक इन्होंने कभी पूरे गांव के अंदर एक कप चाय भी नहीं पिया किसी के साथ में। जाते हैं तो हमेशा ईमानदारी के साथ जाते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं। गांव के अंदर इन्होंने पिछले साल गांव के अंदर बड़ौदा में 50 लाख रुपये अपनी पंचायत समिति कोटे से लगवाए। अच्छा जी, इसलिए हम रतन जी के साथ दिल और जान के साथ साथ हैं, और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी बार भी रतन जी जीतेंगे। चलो अच्छी बात है। अब गांव के अंदर आप तो दौरा लगाते हैं, जाती हो, तो जनता क्या डिमांड करती है, क्या कहती है? जनता में बहुत सी कमियां हैं। जैसे हम उरिका के अंदर गए, उधर भी हमने सुना है कि उधर जो भी डेलीगेट जीता है आज तक उन्होंने ग्राम पंचायत के रूप में ही काम हुआ है, न कि एक डेलीगेट के रूप में किसी प्रतिनिधि ने काम करवाया है। हमारे बड़ौदा की तरह हम भी उरिका वासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उरिका के अंदर अब की बार जो भी पंचायत समिति बजट लाएंगे रतन जी, वो उरिका पंचायत में लगवाएंगे, न कि बड़ौदा में अब की बार। धन्यवाद आपका, बार बार अच्छी बताइए।